नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिकेट नगर में। मैं हूं आयुष शर्मा और मेरे साथ यहां पे मौजूद है मेरे दोस्त मेहरान जैदी। अब जो है क्रिकेट का त्योहार यहां पे आने वाला है, जो कि हम इंडिया में इसको कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, जो है वो स्टार्ट होने वाला है 9 अप्रैल से। और पहला ही मैच बहुत धमाकेदार है। दो बहुत ही बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आपस में भिड़ेंगी। और एक जो है सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिफेंडिंग चैंपियंस है मुंबई इंडियंस, वो अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। तो हम आज दो टीमों के बारे में बात करेंगे, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। लेकिन स्टार्ट जो है हम यहाँ से करेंगे मुंबई इंडियंस से, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, उन्होंने लगातार अपने आप को प्रूफ किया है। तो मेहरान सर, हमने हमेशा ये देखा है कि पहले 5 या 6 मैचों में वो नहीं चलते हैं, दो बिल्कुल तीन मैचेस हारते हैं, उनका जो सबसे खराब रिकॉर्ड अगर सीजन ओपनर की बात करें तो महज 30% ही मुकाबले हैं जो उन्होंने अभी तक जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। सही कह लेकिन रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसी टाइम से मुंबई इंडियंस जो है वो और भी ज्यादा जो है फ्लरिश करता है। तो ये क्या, बहुत लोग कहते हैं कि ये कोई स्ट्रैटेजी है इनकी कि ऐसे करते हैं, तो क्या ये आपको स्ट्रैटेजी लगती है या एक 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 मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि अच्छा वो पहला मैच हार जाते हैं, उसके बाद जो है फिर अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये स्ट्रैटेजी तो खैर क्या होगी, लेकिन ये चांस की बात है कि ऐसा उनके साथ हुआ है। और मे भी जैसे अब इंडियन टीम के साथ हो रहा था, अभी इस वनडे सीरीज एक एक्सेप्शन आ गया कि पहला मैच हार के फिर बाद कम बैक करते थे, तो वही लग रहा है। लेकिन बहुत स्ट्रांग टीम है ऑफकोर्स मुंबई इंडियंस, और इस बार भी मुझे लग रहा है फेवरेट रहेंगे। मतलब सबसे नंबर वन जो फेवरेट को कहा जाएगा मुंबई इंडियंस ही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत स्ट्रांग टीम है और नहीं जीते थे बहुत, सब इस बार भी अगर नहीं जीते थे तो भी काफी सरप्राइज होगा। तो चलिए, डिफेंडिंग चैंपियंस तो हैं ही और काफी अच्छा खेले थे पिछली बार, लेकिन यहाँ पे दो जो प्लेयर उन्होंने नए लिए हैं वो है एडम मिलने, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। देन एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा जो है पिक था, जो काफी लोगों को सरप्राइजिंग लगा, हमें नहीं लगा, वो तो होना ही था, कि अर्जुन तेंदुलकर को जो है उन्होंने बेस प्राइस पे ही खरीद लिया। काफी आलोचना हुई कि अगर आपको ही लेना था तो आपने काफी प्लेयर्स को क्यों छोड़ा और अर्जुन तेंदुलकर को आप क्यों लेके आए ऑक्शन में। लेकिन अब अर्जुन तेंदुलकर आ गए हैं, आपको लगता है कि इस आईपीएल में कोई भी मैच खेलते हुए दिखेंगे अर्जुन तेंदुलकर, या अभी सिर्फ डगआउट में या ड्रिंक्स देते हुए दिखेंगे? शायद एक मैच खेलने में भी, क्योंकि मोस्ट प्रोबली तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर ही लेगा मुंबई, तो अगर में भी ये है कि एक मैच सही बचता है बात जो सॉर्ट ऑफ डेड रबर टाइप है, तो उसमें शायद मौका मिल जाए। और चांसेस तो मेरे ख्याल से यही है कि बेंच पे बैठे रहेंगे, लेकिन एक मैच हो सकता है खेल जाए। बिल्कुल बाकी एडम मिलने तो खैर ये। ऑफकोर्स अच्छे बॉलर रही हैं, वो तो बहुत फास्ट डालते हैं, और ऑलरेडी इतना इम्प्रेसिव उनकी पेस बैटरी है मुंबई की, तो उसमें भी एक और एडिशन हो गया बड़ा खतरनाक सा। आई थिंक मलिंगा का जो जो वॉइड है वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे एडम मिलने, अगर वो अपनी पेस को जनरेट करें और जिस तरीके से लाइन और लेंथ उनकी है तो उनका है। लेकिन एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि आपके पास तीन ओपनर्स हैं और तीनों ही वर्ल्ड क्लास हैं, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, देन क्रिस लिन। तो काफी पिछली बार जब थोड़ा सा लीन पैच आया था क्विंटन डिकॉक का, तो काफी लोग कह रहे थे कि आप क्रिस लिन को चांस दीजिए। अभी ट्राइड एंड टेस्टेड तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ही है, तो लेकिन क्या आप चांस लेना चाहेंगे यहाँ पे क्रिस लिन को, 1 या 2 मैच देखने के लिए कि यार ये कितने अच्छा और परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे? लगता नहीं अभी जरूरत है चेंज करने की ओपनिंग ओपनिंग वो तो सेट है दोनों, रोहित शर्मा और डिकॉक। ऑफकोर्स हाँ, अगर एकदम जैसे वही होता है कि बहुत ही बुरे फॉर्म में डिकॉक चला था, उनका चार मैच का बहुत ही लीन पीरियड चला था, तो उसमें लिन को चांस मिल सकता है। लेकिन उसमें भी ईशान किशन बहुत अच्छे ऑप्शन है ओपनिंग, आप कोई फॉरन बिल्कुल प्लेयर कहीं नीचे भी खेल सकता है कोई इसकी जगह, अगर डिकॉक की जगह। और ईशान किशन ने दिखाया पिछले सीजन भी, और अभी जो एक मैच उन्होंने जो 50 मारी इंग्लैंड के साथ डेब्यू में अपने, तो बिल्कुल उसमें भी उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि वो बड़े खतरनाक ओपनर साबित हो सकते हैं। तो मतलब लगभग जो है, देखिए ओपनर का ही हमेशा रहता है मुंबई इंडियंस के साथ, उसके बाद तो उनकी टीम सेटल ही रहती है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, करण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, तो ये सब तो सेट रहते हैं। लेकिन इस बार पेस बैटरी में शायद हमें जो है पेस जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ देखने को मिले, क्योंकि मलिंगा नहीं होंगे इस बार,
तो शायद एडम मिलने को जो है वो जो है दारोमत के ऊपर दारोमदार होगा कि वो लीड करें। तो मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से सेटल नजर आ रही है। उधर हम अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो काफी चेंजेस हैं, और छोटे नहीं काफी बड़े बड़े चेंजेस हैं इस बार की टीम में। एरन फिंच को नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो आपने प्लेयर्स लिए, जो दो सबसे बड़े प्लेयर्स लिए वो थे ग्लेन मैक्सवेल, और मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कोई बड़ा या जो ऑलराउंडर अभी कोई आया है व्हाइट बॉल या रेड बॉल क्रिकेट में, तो वो है काइल जेमिसन। जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है इन रिसेंट टाइम्स, वो बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से जो है मतलब न्यूजीलैंड में एकदम परास्त किया उन्होंने, और उसके बाद भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे। तो ये अब जो दो आपके पास दो इतने बड़े प्लेयर आए, दोनों ही ऑलराउंडर हम कहेंगे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी बॉलिंग करा लेते हैं, और अब विराट कोहली ने ये जरूर कह दिया है कि भैया वो तो ओपनिंग ही करेंगे अब, और देवदत्त पड्डीकल के साथ, और बाकी जो हैं फिर उसके बाद एबी डिविलियर्स। तो अब ये कैसे बिठाएंगे आप काइल जेमिसन और ग्लेन मैक्सवेल को एक टीम में? हाँ, क्योंकि चार फॉरेन प्लेयर होंगे उसमें, इतना आपने महंगा लिया जेमिसन को, उसको तो खिलाना पड़ेगा आपको हर मैच, इवन इफ अगर वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल अनलेस बहुत ही बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ फॉर्म लगते हैं वो पहले 5-6 मैच में, हाँ बट हाँ मोस्ट ऑफली तो सारे मैच खेलेंगे. और मैक्सवेल भी आई थिंक, मैक्सवेल जेमिसन दो तो ये है ही है सारे मैच खेलने वाले. फिर अब ये उनको देखना है कि दो और उसमें अब एबी डिविलियर्स भी होंगे, तीन तो ये ऑलमोस्ट पक्के बिल्कुल ही है फॉरेन प्लेयर्स खेलने के लिए, खेलने वाले. और अब देखना चौथा कौन किसको खिलाया जाता है, लेकिन अब बट ये वो आपकी बात सही है, जेमिसन बहुत जबरदस्त उनका स्टार्ट रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में. और ये है कि हाँ, अभी न्यूजीलैंड के बाहर तो शायद नहीं खेले हैं, तो वो देखना है कि इंडियन कंडीशन में कैसे, क्योंकि थोड़ा सा हमने देखा था कि अभी बिल्कुल बीच में पाकिस्तान वाली सीरीज में भी कि थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं 20 ओवर वाले में. तो बट ऑफकोर्स अच्छे टैलेंट है, और मैक्सवेल का भी जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं उन्होंने ठीक परफॉर्म करा तो इस सीजन भी वो नहीं होंगे, इस सीजन भी फेल होंगे. बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है मैक्सवेल भी, और जिस तरह के शॉट्स मारते हैं वो तो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं, और अभी अच्छे फॉर्म में भी है, आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक उनका रहा, तो हाँ जी सरप्राइज कर सकते हैं मैक्सवेल इस सीजन. बिल्कुल, मैक्सवेल जो है वो परफेक्ट है। लेकिन एक और एडिशन जो कल एक दो दिन में ही आया, क्योंकि एक काफी लोग जो है वो बैकआउट भी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे आई थिंक जॉश फिलिप ने अभी बैकआउट किया, तो उनकी जगह फिन एलन को जो है उन्होंने चांस दिया, उन्होंने टीम में जो है लिया है। और आप देखिए कि जिस टाइम उनको लिया गया उसके बाद ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया उनका वो उस गेम में जो वो खेल रहे बांग्लादेश के थे, साथ तो अच्छी बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो अब ये भी है जो हम प्लेंटी ओपनर. वाली वो दे रहे हैं कि आप क्या यंगस्टर को चांस देना चाहेंगे, आप उसकी ग्लेन मैक्सवेल की जगह एक दो मैच के लिए, या मैक्सवेल इतने बड़े प्लेयर हैं कि आप उनको बाहर बिठा ही नहीं सकते हो? मैक्सवेल को बाहर बैठाना तो मुश्किल ही है, क्योंकि अब वो डैन क्रिश्चियन भी हैं, डैन क्रिश्चियन भी अच्छे प्राइस में लिया है आरसीबी ने, और अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं वो, और अभी लीग क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. तो अब डैन क्रिश्चियन भी है, तो मैक्सवेल आई थिंक मुझे लगता नहीं बाहर बैठेंगे. तो फिन एलन को थोड़ा शायद हो सकता है वेट करना पड़े शुरू में, लेकिन वो बात सही है आपकी, बहुत ही जबरदस्त उनका वो मैच, बड़ी जबरदस्त हिटिंग करी उन्होंने. और अब देखते हैं वो कौन चार में से, हाँ चार अगर, क्योंकि मतलब क्रिश्चियन को खिलाएंगे क्योंकि ऑलराउंडर है क्रिश्चियन, और नीचे से आके बहुत लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, और बोलिंग भी काफी उनकी यूजफुल है वेरिएशन और वो सब. तो मेरे ख्याल से फिन एलन की जगह क्रिश्चियन को डिफरेंस मिलेगा, बट हाँ यू नेवर नो, क्रिकेट में स्पोर्ट्स में पता नहीं आपका कब किसका फॉर्म बिल्कुल डिप कर जाए और कब किसको चांस हो जाए. बट हाँ, ओवरऑल आई थिंक दोनों बहुत बहुत दोनों टीम्स इस बार काफी स्ट्रांग लग रही है. मुंबई तो खैर है ही स्ट्रांग, आरसीबी इस बार अच्छा बैलेंस लग रही है, बिल्कुल और कुछ पता नहीं है इस साल में भी आरसीबी का हो, फाइनली विराट कोहली ट्रॉफी लिफ्ट बिल्कुल करने का उनको मौका मिल जाए. जी बिल्कुल। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आरसीबी की तरफ से। आपने बहुत सारे स्टार स्टडेड प्लेयर में हैं आपकी टीम में, बहुत बड़े बड़े नाम है, विराट कोहली, डिविलियर्स, मैक्सवेल, ये सब, लेकिन अभी भी आपका जो मिडल ऑर्डर है वो मिस कर रहा है, जो आपका जो होम ग्रोन टैलेंट है। अगर आप देवदत्त पड्डीकल को छोड़ दें तो वो चलिए टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी
बीच वाले जो आपका मिडिल ऑर्डर, वहां पे इतना अच्छा टैलेंट, होम ग्रोन टैलेंट नहीं है। शायद अजरुद्दीन को उन्होंने लिया है अभी हाँ वो लिया अजरुद्दीन को लिया है वो, खेलने बट के लिए, वो भी अभी अजरुद्दीन, लेकिन अनटेस्टेड ही, फिर भी अनटेस्टेड ही है ज्यादा, एक क्योंकि ही है मेरे एक्सपीरियंस ख्याल नहीं है। से, हाँ वो भी इनएक्सपीरियंस भी है वो अजरुद्दीन अभी एक तो, हाँ एक ही बिल्कुल है। और हाँ ये रिस्क थोड़ा सा है आरसीबी का, क्योंकि अनलाइक मुंबई, मुंबई को जैसे पास जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर है मुंबई इंडियंस के पास, और टू एन एक्सटेंट दिल्ली, दिल्ली कैपिटल के पास भी, तो वो चीज थोड़ा मिसिंग है आरसीबी में, कि जो इंडियन जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो पूल वो थोड़ा कम है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि अब इनका जो फॉरेन प्लेयर्स हैं प्लस विराट कोहली, तो ये बहुत एक्सेप्शनल है, तो होपफुली अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो उससे जरूरत पड़नी चाहिए ज्यादा मिडल ऑर्डर की। बिल्कुल। चलिए, जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो देखते हैं अब आरसीबी इस बार जो है क्या परफॉर्म करती है। चलिए, फर्स्ट मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 9 अप्रैल को खेला जाएगा। तो चलिए एक थोड़ा सा जो है आपको जेपर्डी में डाल दें, आप किसको सपोर्ट करें, मुंबई या आरसीबी? मेरा तो खैर ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल वैसे टीम है, लेकिन इनमें से आई थिंक अच्छा ऑफकोर्स मुंबई के पास एज है, मुंबई का किसी के साथ भी हो तो एज तो मुंबई के पास ही है जीतने का। अच्छा चलिए एज, चलिए वो तो चाहिए, आपका दिल, आप किसको सपोर्ट करेंगे इफ गोइंग इन टू द मैच, मुंबई और आरसीबी? आई थिंक आरसीबी, विराट तो वैसे इस मतलब बार अगर दिल्ली ने जीता तो आई थिंक एक ऐसा समझो अंडरडॉग, विराट जीते, अंडरडॉग टीम, एक अंडरडॉग। तरीके से हाँ अंडरडॉग अंडरडॉग, टीम होगी। हाँ चलिए, मेरी तो फेवरेट टीम मुंबई है तो मैं तो मुंबई को ही सपोर्ट करूंगा। तो चलिए, हम जैसे कहते हैं कि इंडिया में जो है एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी उसकी चमक जरूर कम होगी क्योंकि इस बार मैदान क्राउड थोड़ा में कम है। दर्शक नहीं होंगे, तो वो देखते हैं किस तरीके से पैन आउट होता है। लेकिन अच्छी बात है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो वो ना ही हो तो अच्छा है। तो लेकिन फिर भी मजा आएगा देखने में, और इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है तो एक अच्छी बात है कि क्रिकेट जो है वो जारी रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेहरान सर, और गाइस आप जो हमें ये वीडियो देख रहे हैं, हम लगातार जो है आते रहेंगे, टीम्स के जो और भी बाकी टीम्स जो है उनके भी प्रीव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है बैलेंस बैठ रहा है टीम का। मैचेस के बाद भी आपको रिव्यू, प्रीव्यू सब चीज देखने को मिलेगा। तो आप यहीं पर रहिए क्रिकेट नगर पे, और वीडियोस का इंतजार करते रहिए क्योंकि हम हर रोज आएंगे। अब थैंक यू सो मच मेहरान सर, मिलते हैं थैंक फिर। यू बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।